प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजवंश सिंह मोहाली, आज मैंने लिखा है रीशेपिंग योर प्रॉपर्टी। रीशेपिंग प्रॉपर्टी, हमने प्रॉपर्टी को रीशेप क्यों करना है कि ताकि हमें प्रॉफिट है, जो वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट है वो ऊपर जा सके। मैंने ये आज टॉपिक आपके लिए लिखा है, रीशेपिंग कैसे हम कर सकते हैं बाई द वे ऑफ डेवलपमेंट या प्रमोशन। डेवलपमेंट, प्रॉपर्टी को डेवलपमेंट करना है या प्रमोट करना है, दोनों एक ही चीज है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और हम प्रमोट कैसे कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, जैसे मैंने लिखा है पहले मैप, फिर फिलिंग लिखा है, प्लिंथ्स लिखा है, पक्का रोड या रास्ता जो भी है, अप्रोच एक्सेस, ये चीजें हम यदि हमें एडिशन कर देंगे, हमें एडिशन करनी आती होंगी, तो डेफिनेटली हमारी प्रॉपर्टी रीशेप हो जाएगी। और रीशेप होने की वजह से हमें जो प्रॉफिट है, वो वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट है, वो हमारा ज्यादा बढ़ जाएगा। तो रीशेप करने के लिए मैंने जो सबसे पहले मैप लिखा है, इसमें तो मैप का मतलब ये है कि यदि हम कोई प्रॉपर्टी अपनी है, उसको हम टुकड़ों में बेचना चाहते हैं, तो टुकड़ों में बेचने के लिए हमें मैप बनाने की जरूरत है। कोई 4 टुकड़े करने हो, 10 करने हो, 15 करने हो, जिस तरीके से भी, क्या कॉलोनियों में हम करते हैं, कॉलोनियों में हम टुकड़े करके बेचते हैं। यदि हमें मैप बनाना आता है तो बहुत ही आपके लिए सोने पर सुहागे वाली बात है। सोने पर सुहागा कैसे है, मैंने पहले बताया था कि हमने सिर्फ 35 लाख की एक प्रॉपर्टी ली थी, और जो प्रॉपर्टी एजेंट था देवकी नंदन, हमें 45 लाख रुपया दिला रहा था 3 महीने के अंदर अंदर, और हमें वो बहुत खुश करना चाहता था। तो लेकिन हमें मैप बनाना आता था, हमें उससे बात करी तो उससे पूछा कि वहां यदि हम प्लॉटिंग कर दें तो क्या रेट में बिक सकता है। तो वो जो उसकी जो कैलकुलेशन थी, जो जो कैलकुलेशन हमें करके बता रहा था, वो सिर्फ 25 पैसे में हमें खरीदना चाहता था हमारे से, क्योंकि 64,000 फिट माल था, 3,000 फिट के हिसाब से बिकना था, 1,92,00,000 रुपया उसकी सेल आती थी यदि हम उसको टुकड़ों में बेचते हैं। मतलब ये बात करने का मतलब यही है कि यदि हमें मैप बनाना आता है, तो हम अपनी प्रॉपर्टी की सही वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, मैप आना जरूरी है। यदि आप इन्वेस्टर हो, बार बार प्रॉपर्टी लेते हो और आप उसको टुकड़ों में बेच के पैसा कमाते हो, तो डेफिनेटली आपको मैप खुद बनाना आना चाहिए। तो उसके बाद मैंने फिलिंग लिखा, कोई गड्ढा है, कोई गहरा है प्लॉट, कोई कोई कुछ भी है किसी तरीके का, यदि हम उसमें मिट्टी डालते रहे तो भी प्रॉपर्टी रीशेप हो जाती है, लोगों में नई लुक आ जाती है। यदि कोई पुरानी बिल्डिंग है, यदि हम उसको तोड़ देते हैं, तोड़ने के बाद फिर उसकी लुक आ जाती है। इसमें प्लिंथ्स लिखा मैंने, यदि कोई प्लॉट ऐसे पड़ा है, गंदा मंदा प्लॉट पड़ा है, यदि हम उसको नीम वगैरह डाल के उसमें मिट्टी वगैरह डाल देंगे, तो डेफिनेटली उसकी भी लुक चेंज हो जाएगी। और फिर मैंने लिखा पक्का रास्ता रोड, जो रास्ता सपोज कहीं दूर से आ रहा है, या मतलब कच्चा, मतलब उसमें कोई रास्ते कई बार खराब होते हैं, तो वो रास्ते को हमने ठीक कर लेना है। मैंने सरहंद में 2005 में एक प्रॉपर्टी ली थी, 2 एकड़ जमीन थी, और रास्ता मतलब उसमें गंदा रास्ता था, पानी पुनी खड़ा रहता था उसमें, हमने 7-8 ट्राली मिट्टी की गिराई और नंबर 1 बन गया। वो किसान थे जो, मतलब जिसकी जिसकी जमीन थी, पता नहीं क्यों वो लोग इस तरफ, उनका दिमाग ही नहीं जा रहा था कि हम इसको रास्ते को हमें यदि सही कर देंगे तो हमारी प्रॉपर्टी का पैसा ज्यादा मिल जाएगा हमें। तो लेकिन चलो ठीक है, ये उनकी अपना सोचने की बात है, ये हमने अपने तरीके से सोचना है, क्योंकि हम तो ठहरे प्रॉपर्टी के व्यापारी, तो हमने अपने तरीके से प्रॉपर्टी को प्रमोट कर लिया। सिर्फ रास्ते में 5-7-10 ट्रॉली मिट्टी की गिरी थी, मेरे को प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन ये मेरे को याद है कि हमने मिट्टी डालने के बाद वो प्रॉपर्टी नई शेप में आ गई थी, रीशेप हो गई थी, और उसका बहुत अच्छा वैल्यू वॉल्यूम हमें मिल गया था प्रॉफिट का। सो उसके बाद अप्रोच जो है, अप्रोच एक्सेस हमें प्रॉपर चाहिए। ये जब मैंने डायग्राम बनाया, एक चंडीगढ़ से पटियाला रोड पे जा रही है, ये सामने 2 एकड़ जमीन है, उसके पीछे वाली जमीन है 60-70 लाख रुपये मिल रही है, 70-65 लाख रुपए का मान लो, मान लो, और ये जो जमीन का इसका रेट है 2 करोड़ रुपए एकड़। यदि हम यहाँ से रास्ता लगाने में, एक्सेस लेने में कामयाब हो जाते हैं, बड़ा रोड इसमें लगाने में कामयाब हो जाते हैं, या ये 1 एकड़ जमीन लेने में कामयाब हो जाते हैं, चाहे रेट ज्यादा हो जाए, ये सारी की सारी जमीन की वैल्यू एडिशन हो सकती है। ये जो पीछे आ रहा रास्ता, इसको इसके ऊपर, ये 16 फुट का रास्ता है, इसके ऊपर हम कुछ कर नहीं सकते, कोई हमें प्रोजेक्ट नहीं पास हो सकता, कोई कुछ नहीं हो सकता, हालांकि लोकेशन बहुत बढ़िया है, चंडीगढ़ से पटियाला रोड के ऊपर है, लेकिन ये जो 200-250 फुट रास्ता है, ये बहुत छोटा है। लेकिन यदि हम इस रास्ते को बड़ा कर लेंगे, मोटा कर लेंगे, चौड़ा कर लेंगे, तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू एडिशन हमें हो जाएगी, इसमें वैल्यू एडिशन का मतलब सीधे सीधे तौर पर हमारा डायरेक्ट प्रॉफिट ही होता है। तो दोस्तों आज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, आप याद रखना,
आपने प्रॉपर्टी में से यदि पैसा कमाना है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा अलग करना ही पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो। थैंक यू वेरी मच, बहुत जल्द आपके सामने होगा।